बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वीनस ड्रेनेज ऑफ द अपर लिम। अपर लिम से वेनस ब्लड जो है वो ड्रेन करने के लिए दो टाइप ऑफ वेन्स होते हैं हमारे पास। एक होता है सुपरफिशियल वेनस सिस्टम और एक होता है डीप वेनस सिस्टम। जो सुपरफिशियल वेनस सिस्टम है ये थोड़ा सा चेंज है, ये हम आज पढ़ेंगे। जबकि जो डीप वेनस नेटवर्क होता है वो बिल्कुल सेम है, जिस तरह हमने आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द अपर लिम पढ़ा था बिल्कुल उसी तरह ही उन वेंस के नेम्स हैं, उनके ब्रांचेस हैं। जिस तरह हमने आर्टीरियल सप्लाई पढ़ा था तो डीप वेंस और आर्टीरियल सप्लाई बिल्कुल सेम है, जबकि सुपरफिशियल वेन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जो डीप वेन होता है ये हमारे पास डीप फेशिया में प्रेजेंट होता है, जबकि जो सुपरफिशियल वेन है ये हमारे पास सुपरफिशियल फेशिया में प्रेजेंट होते हैं। और फाइनली यही सुपरफिशियल वेन जो है ये फिर सारे ब्लड ड्रेन करके अपर लिम से सारा ब्लड ड्रेन करके ये जाके डीप वेन में ही ड्रेन करता है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास जो सुपरफिशियल वेनस सिस्टम है वो हम इस डोर्सम ऑफ द हैंड से स्टार्ट करेंगे। आर्टीरियल और वेनस नेटवर्क में ये डिफरेंस याद रखने हैं कि आर्टीरियल नेटवर्क जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम ऊपर से लेकर नीचे की तरफ आते हैं, मतलब ऊपर जो हमारे पास पहले स्कैपुलर रीजन से फिर आर्म में फिर फोर आर्म में आते हैं और उसके बाद हम हैंड में जो है वो आर्टरीज वगैरह ख़त्म हो जाती है। जबकि वीनस नेटवर्क जो है ये हमने इस पाम से स्टार्ट करनी है, फिर हम फोर आर्म में जाएंगे, आर्म में जाएंगे और इस तरह ऊपर ये सारा ब्लड जो है वो ड्रेन करता है। क्योंकि वीनस नेटवर्क जो है ये वीनस ब्लड कलेक्ट करता है इन सारे रीजन से और इसका जो पाथवे है वो इसी तरह नीचे से ऊपर की तरफ है। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे तो हमारे पास ये एक डायग्राम है, इसके अलावा मुझे कोई दूसरा क्लियर डायग्राम नहीं मिला है, लेकिन एटलस में ये एक डायग्राम है जिसमें इस पाम रीजन के जो सुपरफिशियल वेन है ये वो लिटिल बिट शो किए गए हैं। सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है वो आप लोगों ने याद रखनी है कि यहाँ पे हमारे पास ये डिजिट्स है, तो यहाँ पे हमारे पास डोर्सल डिजिटल वेन्स होते हैं। ये देखिए ये डोर्सल डिजिटल नर्व एंड वेन्स, तो ये वेन्स जो है ना ये हमारे पास ये ब्लू कलर में जो शो किए गए हैं ये डोर्सल डिजिटल वेन है। यही डोर्सल डिजिटल वेन जो है ये हर एक जो फिंगर है या डिजिट से वहाँ से निकले होते हैं और ये ऊपर आके ये हमारे पास पाम रीजन है, तो पाम में ये हमारे पास डोर्सल ऑफ द हैंड है ना, तो उसमें ये हमारे पास मेटाकार्पल्स होते हैं। तो इसी मेटाकार्पल में ये डोर्सल डिजिटल वेन जो है ये कंबाइन हो के हमारे पास क्या बनाते हैं, ये हमारे पास डोर्सल मेटाकार्पल वेन। ये भी डोर्सल मेटाकार्पल वेन है, ये भी डोर्सल मेटाकार्पल वेन है। तो डिजिट्स में हमारे पास डोर्सल डिजिटल वेन होंगे जो कि आगे जाकर हमारे पास कंबाइन होकर डोर्सल मेटाकार्पल वेन्स बनाते हैं। ये डोर्सल मेटाकार्पल वेन है, उसके बाद ये डोर्सल मेटाकार्पल वेन सारे मिलकर हमारे पास एक डोर्सल वीनस नेटवर्क बनाता है। ये हमारे पास डोर्सल वीनस नेटवर्क है जो कि बना है डोर्सल मेटाकार्पल वेन की कम्बिनेशन से। अब ये जो डोर्सल वीनस नेटवर्क है यही डोर्सल वीनस नेटवर्क जो है ये ऊपर जाएगा और एंटर करेगा इनटू द फोर आर्म रीजन, और फोर आर्म में ये क्या करेगा कि ये हमारे पास एक सिफेलिक वेन बनाएगा, लार्जर वेन है, और ये हमारे पास एक बेसिलिक वेन बनाएगा। जिसमें बेसिलिक वेन की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास जो बॉडी की तरफ होगा वो हमारे पास बेसिलिक वेन होगा। अगर हम हाथ को ये तो अब ये डोर्सम ऑफ द हैंड है, लेकिन अगर आप इसको सुपाइन पोजीशन में रखें तो उस वक्त जो हमारे पास बॉडी साइड पे जो वेन आएगा वो बेसिलिक वेन होगा, और जो हमारे पास लेटरली होगा अवे फ्रॉम द बॉडी वो हमारे पास सेफेलिक वेन होगा। यही बेसिलिक वेन और सेफेलिक वेन अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ये किस तरह ऊपर जाते हैं और ये कहाँ पर ड्रेन करते हैं। अब अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये वाला जो बेसिलिक वेन है ये देखिए ये बॉडी की तरफ है, और ये वाला हमारे पास सेफेलिक वेन है जो कि अवे फ्रॉम द बॉडी टुवर्ड द लेटरल साइड है। अब ये बेसिलिक वेन और सेफेलिक वेन जो है ये हमारे पास इस फोर आर्म में रन करते हैं, और आगे जाके ये हमारे पास क्यूबिटल फोसा रीजन है। क्यूबिटल फोसा किसे कहते हैं, ये हमारे पास जो एल्बो जॉइंट होता है इसी एल्बो जॉइंट के आगे की तरफ को हम क्यूबिटल फोसा बोलते हैं। तो इसी क्यूबिटल फोसा में ये बेसिलिक वेन और सेफेलिक वेन जब पहुँच जाते हैं तो यहाँ पर ये एक दूसरा वेन होता है, एक छोटा सा वेन जिसके थ्रू ये दोनों कनेक्ट कर जाते हैं, और उसी वेन को हम बोलते हैं मीडियल क्यूबिटल वेन। अब ये मीडियल क्यूबिटल वेन कहाँ से आया है, अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पे हमने ये बेसिलिक और सेफेलिक वेन जो है ये सारा जो था ये नेटवर्क पोस्टीरियरली यानी डोर्सम ऑफ द हैंड से निकला था ना। अब अगर हम एंटीरियर की बात करें यानी पाम रीजन ऑफ द हैंड की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक वीनस नेटवर्क होता है जिसको हम बोलते हैं पाल्मर वीनस नेटवर्क। वो पाल्मर वीनस नेटवर्क जो है वो यहाँ से निकलता है पाम से और वो सारा कंबाइन होकर इंटर कर जाता है इंटू द फोर आर्म रीजन एंटीरियरली। अब ये जब एंटीरियरली इंटू फोर आर्म में इंटर कर जाती है
हैं तो ये बनाते हैं एंटीरियर मीडियन वेन ऑफ द फोरआर्म। ये जो हमारे पास बीच में ये रन कर रहा है ये एंटीरियर मीडियन वेन ऑफ द फोरआर्म है जो कि हमारे पास पाल्मर वीनस नेटवर्क से बना हुआ है। अब ये जो एंटीरियर मीडियन फोरआर्म है ये आगे जाके इंट्रो क्यूबिटल फोसा ये रीच कर जाता है और वहाँ पर ये क्या करता है ये हमारे पास ये मिडिल क्यूबिटल वेन बनाता है और ये मिडिल क्यूबिटल वेन जो है ये फिर इस सेफेलिक और बेसिलिक वेन को कनेक्ट करता है। अब ये मिडिल क्यूबिटल वेन जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो मिडिल क्यूबिटल वेन जो है ये हमारे पास अगर टूवर्ड द बेसिलिक वेन जो इसका हिस्सा है इसको हम मिडियन बेसिलिक वेन बोलते हैं और ये वाला हमारे पास मिडियन सेफेलिक वेन है। अब जो हमारे पास ये बेसिलिक वेन और सेफेलिक वेन होता है ये तो यहाँ पे इस मिडिल क्यूबिटल वेन के थ्रू कनेक्ट कर जाते हैं लेकिन इसके बाद ये दोबारा जो है मूव फॉरवर्ड करते हैं और ये इंटर करते हैं इनटू द आर्म रीजन। अब आर्म में क्या होता है कि ये जो बेसिलिक वेन होता है ये बेसिलिक वेन जो है यहाँ पे हमारे पास ये चूँकि सुपरफिशियल फेशिया में प्रेजेंट है तो ये जो है सुपरफिशियल फेशिया से जाएगा अंदर इनटू द डीप फेशिया और डीप फेशिया को ये पीर्स कर लेगा मतलब उसको काट के ये अंदर जाएगा और वहाँ पे हमारे पास जो डीप वीनस नेटवर्क है उसी में हमारे पास एक्सिलरी वेन इस रीजन में एक्सिलरी वेन होता है तो उसी एक्सिलरी वेन में ये बेसिलिक वेन जो है इंटर कर जाता है लेकिन कौन से रीजन में आर्म में और इसी आर्म में हमारे पास क्या होता है ये बेसिलिक वेन डीप फेशिया को पीर्स करके ड्रेन हो जाता है इनटू द एक्सिलरी वेन। जबकि सेफेलिक वेन की अगर हम बात करें तो वो इसी तरह ही आर्म में वो मूव करता है और आगे जाके वो किसी चीज़ में ड्रेन नहीं होता यहाँ पे नीचे वो आगे जाएगा और आगे जाके यहाँ पे हमारे पास हमने बात की थी कि यहाँ पे हमारे पास डेल्टोइड मसल होता है यहाँ पे पेक्टोरलस मेजर होता है उन दोनों के बीच में यहाँ पे एक ग्रूव होता है जिसको हम बोलते हैं डेल्टोपेक्टोरल ग्रूव और उसी के साथ ही डेल्टोपेक्टोरल ट्राइंगल भी होता है। तो ये जो सेफेलिक वेन है ये डेल्टोपेक्टोरल ग्रूव को क्रॉस कर जाती है उसके थ्रू पास होकर ये इंटर कर जाते हैं इनटू डेल्टोपेक्टोरल ट्रायंगल और वहाँ पे फिर ये हमारे पास जो एक्सिलरी वेन यहाँ पे ये पूरा इस तरह आया हुआ होता है इसी जगह में फिर ये एक्सिलरी वेन में ड्रेन करता है। तो ये सेफेलिक और बेसिलिक वेन की डिफरेंस याद रखनी है कि जो बेसिलिक वेन होता है वो आर्म रीजन में ही ड्रेन कर जाता है इनटू द एक्सिलरी वेन जबकि सेफेलिक वेन जो है वो आर्म रीजन में नहीं इंटर करता है बल्कि वो ऊपर जाएगा डेल्टोपेक्टोरल ग्रूव को फिर डेल्टोपेक्टोरल ट्राइंगल को पास करेगा उसके थ्रू क्रॉस करके वो फिर ड्रेन होगा इनटू द एक्सिलरी वेन और ये एक्सिलरी वेन फिर वही हम जो आर्टेरियल सप्लाई पढ़ रही थी बिल्कुल उसी तरह की एक्सिलरी वेन जो है आगे जाके हमारे पास सप्लेमेंट वेन बनाएगी और यही सप्लेमेन वेन जो है ये फिर हमारे पास इंटरनल जुगुलर वेन जो कि ऊपर हेड रीजन से आता है उसी के साथ कंबाइन होके क्या बनाएगा ये हमारे पास ब्रेकियोसेफेलिक वेन बनाएगा और जो ब्रेकियोसेफेलिक वेन होता है वो फिर सुपीरियर वेना कैवा में ड्रेन कर जाता है और उससे फिर वो राइट एट्रियम में ब्लड इंटर कर जाता है। तो ये हमारे पास फुल जो था ये एक वीनस नेटवर्क था सुपरफिशियल वेनस हमने पढ़ा डीप वेन जो है बिल्कुल आर्टेरियल सप्लाई की तरह है। तो पहले आप लोग अगर आर्टेरियल सप्लाई पढ़ोगे तो उसकी उसको समझने के बाद फिर आप लोगों को ये वीनस नेटवर्क भी आएगा कि डीप वीनस नेटवर्क किस तरह है। सही है बिल्कुल इसी तरह इसके ब्रांचेस हैं सारे नेम्स वगैरह सब कुछ सेम है लेकिन एक डिफरेंस जो हमने वीनस नेटवर्क में याद रखना है वो हमारे पास सुपरफिशियल वेन जो हमारे पास सुपरफिशियल फेशिया में ड्रेन करता है जिसमें मेन बातें हमने बेसिलिक और सेफेलिक वेन की याद रखनी है कि ये कहाँ पे जो है ड्रेन करती है कहाँ पे ये रन करती है उसके बाद ये आगे जाके वही जो डीप वेनस सिस्टम होता है उसी में ये ड्रेन करती है एक्सिलरी वेन में और फिर वो आगे जाके हमारे पास फुल पाथवे के थ्रू जाके हमारे पास राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेके जाता है फ्रॉम द अपर लिम। तो ये फुल हमारे पास वीनस नेटवर्क ऑफ द अपर लिम हो गया। अच्छा एक बात आप लोगों ने जो है वो याद रखनी है कि हमारे पास हमने जो यहाँ पे डिजिटल वेन्स बनाए थे तो उसमें पाल्मर डिजिटल वेन्स भी थे और इसके अलावा डोर्सल डिजिटल वेन्स भी थे। तो पाल्मर डिजिटल वेन्स जो थे वो आगे की तरफ थे डोर्सल डिजिटल वेन्स जो थे वो पीछे की तरफ थे वो दोनों भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं थ्रू द अनदर वेन विच इज़ नोन एज द इंटर कैपिटुलर वेन। तो इंटर कैपिटुलर वेन जो है वो पाल्मर और डोर्सल जो डिजिटल वेन्स हैं उन दोनों को कनेक्ट करता है। तो ये पॉइंट आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है। लास्ट पॉइंट जो आप लोगों ने याद रखना है वो है नर्व सप्लाई ऑफ द वेन्स। तो वेन्स को जो हमारे पास नर्व सप्लाई करता है वो सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स है यानी सिंपैथेटिक फाइबर्स की अगर हम बात करें जो कि जब इंसान फाइट और फ्लाइट मूड में होता है या एक्टिव मूड में होता है तो उसी वक्त सिंपैथेटिक फाइबर्स जो है वो एक्टिवेट होते हैं और वो जो है वो नर्व सप्लाई करते हैं टूवर्ड द वेन्स ऑफ द अपर लिम्ब। सही है
और सिंपैथेटिक नर्व जो है ये हमारे पास जो वॉल्स के जो वेंस के वॉल्स है उसमें जो स्मूथ मसल्स होते हैं उसी को सप्लाई करते हैं, और जब ये एक्टिवेट होता है तो ये क्या करता है कि ये उसी वेंस को कंप्रेस करता है, यानी स्मूथ मसल को कंप्रेस करता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से वो वेंस जो है वो कंप्रेस हो जाते हैं और जितना ब्लड होता है वो आगे की तरफ मूव करेगा और जाएगा और ड्रेन करेगा इन टू द राइट आर्ट्रियम ऑफ द हार्ट। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो की समझ आ गई है और मेरे लेक्चर की फुल समझ आ गई है तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है ताकि मुझे पता चले कि जो कुछ मैं पढ़ा रही हूँ उसका आप लोगों को कोई फ़ायदा है भी या नहीं। सही है, तो आप लोगों ने ज़रूर कमेंट्स में बताना है, और अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।